माय डियर, आज एक छोटे से टॉपिक पे बात करूंगा कि लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ शरीयत क्या है। देखो, लॉ ऑफ नेचर ये है कि अगर आज मैंने कोई बुरा काम किया, कोई ऐसा काम किया, सपोज करे मैंने शराब पी, अल्लाह ना करे किसी शख्स ने शराब पी, तो उसके गुर्दे डिस्टर्ब होंगे, उसको गुर्दों से उसके गुर्दों को नुकसान होगा, जो मर्जी कर ले, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर किसी एक्स वाई जी ने वालदेन के साथ बदतमीजी की तो वो भी तैयार रहे, उसकी भी औलाद उसके साथ बदतमीजी करेगी, ये लॉ ऑफ नेचर है। बहुत सारे मामलात अगर इंसान एक सुस्ती करेगा लाइफ में और सुस्ती का उसको अंजाम क्या होगा, वो तरक्की नहीं कर सकेगा, पीछे रह जाएगा, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। अभी हम जब बात करते हैं लॉ ऑफ शरीयत की, देखें अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से मेरे से कोई गुनाह सरजद हो गया तो वो ज़ात माफ़ कर देती है। कोई शराबी है, वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांग ले, उसकी वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये ज़मीन जो है ये सुस्त रवि वाले लोगों को बिल्कुल मसल के रख देती है। ये लॉ ऑफ नेचर है। मैं अपने स्टूडेंट से, चूंकि मेरा अक्सर ड्रेस अपने यंगस्टर से है, अगर आज आप अपने स्टडी से अपना टाइम वेस्ट किया आपने, तो ये नेचर ये होगी कि आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, अपनी डेस्टिनेशन को हासिल नहीं कर सकेंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। लिहाजा ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों चीज़ों को कभी मिक्स ना कीजिएगा। अभी जब हम मिसाल देते हैं यूरोप वालों की, उन कंट्रीज़ की जहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, उसके पीछे उनकी स्ट्रगल है। जब तक जिंदगी में मेहनत नहीं करेंगे आगे नहीं निकल सकते। मैं घर में बैठा रहूँ, मैं कहूँ जी मनो सलवा उतर है क्योंकि मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात मेरे से बड़ी खुश है, एंड सो ऑन, ये नेचर के ख़िलाफ़ है। ठीक है, राज़िक वो ज़ात है, लेकिन उस ज़ात ने कहा है कि हीला करोगे तो वसीला होगा। लिहाजा चूंकि आज का ये मैसेज मैं अक्सर अपने नौजवानों को इसमें कन्फ्यूज देखता हूँ, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि हमें भी कोई ऐसी रातों रात कोई हमारे ऊपर कोई लॉटरी निकल आए, को अल्लाह ताला का खास करम हो जाए और हम अमीर हो जाएं, ऐसे नहीं है। ये नेचर के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। इसलिए एक पॉइंट ये रखना कि कभी किसी के साथ ज्यादती ना करना, ठीक है। ज्यादती करोगे तो उसकी सजा मिलेगी, ये लॉ ऑफ नेचर है, वो ज़ात है, वो माफ कर देगी, वो शरीयत के लॉज हैं। शरीयत के लॉज को लॉ ऑफ नेचर के साथ कभी भी मिक्स ना कीजिएगा, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब डिफरेंट यंगस्टर से बात करता हूँ, वो कहते हैं सर देखें ऐसे उसने एकदम छोटा सा काम किया और उसने ऐसे तरक्की कर ली, इसने ऐसे कर लिया, ये सब स्टोरीज हैं, वो बहुत रेयर केसेस हैं, वेरी रेयर केसेस। उनको कभी पर्सनली आप बैठ के उनसे बात करें, उनसे गपशप लगाएं, आपको समझ आएगी उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल कितनी की है। तो आज का मैसेज मेरे यंगस्टर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, कि हमें लाइफ में स्ट्रगल करना है, अगर हम अपनी मंजिल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।